हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आज की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम देख लेते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव कौन बने हैं हाल ही में। इसका सही आंसर होगा अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि किस कंपनी ने ग्राहकों को बेहतर डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन देने के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया। इसका सही आंसर होगा फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है हाल ही में, आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी ICC पुरुष वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है, इसका सही आंसर होगा बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर का हार्ट अटैक के चलते 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका क्या नाम था। दोस्तों, उनका नाम विवेक था। क्वेश्चन नंबर 9, आज के दिन 17 अप्रैल यानी को विश्वभर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा विश्व होमोफिलिया दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, भक्ति गीत के मशहूर गीतकार का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम बताना है आपको। इनका नाम था पंडित किरण मिश्रा, इनका नाम था। दोस्तों, यदि आपको आज की करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आज की करंट अफेयर की PDF सेंड कर दी गई है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको दोस्तों डेली यहाँ करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।